हाँसी ये हाँसी का एक प्रिविलेज है कि हाँसी में एक 3 दिवसीय ऐसी प्रदर्शनी लगी है राइजिंग हरियाणा जिसका नाम दिया गया है हरियाणा राइजिंग। अब उसमें पहले दिन 3 सांसद आए, डीपी बस्ती जो राज्यसभा के सांसद हैं, अपर हाउस के जो मेंबर हैं, इसको जिनने से उन्होंने अपने दोस्त मुबारक से इस प्रदर्शनी का इनोग्रेशन किया। कल सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत बैठी हैं जो हमारे हिसार हल्के के सांसद हैं और बड़े यंग एंड डायनामिक हैं। आपको मालूम ही है कि ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए, आइए जानते हैं कि इन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रदर्शनी लगने वाली थी, ये एक बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शनी लगने वाली थी और हाँसी एक हिस्टोरिकल शहर है, आर्कियोलॉजिकल काम करता है, यहाँ एक किला भी है। डीपी साहब का एक सपना था कि क्यों ना हाँसी में एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जाए जो यहाँ के लोग और ये बिहार के लोग दायित्व हैं कि इसको अवलोकन करें, कुछ ना कुछ करें। आपने अवलोकन किया डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट, कैसा लगा आपको और इसके क्या अच्छे दूरगामी परिणाम? सबसे पहले तो मैं यंग वर्ग को बधाई देना चाहूँगा जिनके इनिशिएटिव से, जिनके प्रयास से ये प्रदर्शनी जो है ये हाँसी में 3 दिन की लगी। और देखिए जिस तरह के स्टॉल्स मैंने अभी देखे भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हैं और इनमें ज़्यादातर चीज़ें शायद ऐसी हैं या उन इलाकों से हैं जो शायद हाँसी के लोग अदरवाइज शायद पता नहीं देखने का भी कभी मौका मिले या ना। जैसे काम बैठे हैं इस टाइम, ये जो जूट का काम है या केन का काम है या पीछे कॉयर बोर्ड का था या स्पाइस बोर्ड का था, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो संस्थाएँ हैं जिनसे एक्सपोजर लोगों को मिलता है। और यदि कोई एंटरप्राइजिंग आदमी है तो इस जानकारी का फ़ायदा उठा के अपने लिए करियर में बना सकता है। तो निसंदेह नासिक लोगों के लिए एक बहुत मैं कहूँगा इंफॉर्मेटिव जानकारी हासिल करने का एक बहुत बहुत अच्छा अवसर है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 3 दिन का है, 3 दिन का